हेलो एवरीवन, आज का चैप्टर है कबीर। कबीर कविता का आज के इस लेक्चर में मैं आपको सार बता रही हूँ। कबीर के अनुसार परमात्मा एक है। जो लोग संसार और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं उन्हें कबीर जी अज्ञानी बताते हैं। यानी कबीर जी कहते हैं कि जो लोग संसार और परमात्मा को अलग मानते हैं उन्हें संसार का ज्ञान नहीं है। उनके अनुसार जल, वायु और ज्योति सभी एक हैं और परमात्मा इस संसार का रचयिता एक ही है। जैसे बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार समस्त संसार में एक ही परमात्मा निवास करता है। कबीर माया में लिप्त मनुष्य को चेतना जगाने की प्रेरणा देते हैं। वह कहते हैं कि संसार में जो माया के बंधन हैं, यानी सांसारिक वस्तुओं के बंधन हैं, उनसे अलग रह करके हम निडर होकर के जीवन जी सकते हैं। यानी हम अगर माया से अलग होकर के सोचते हैं तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं रहता, किसी प्रकार का डर नहीं सताता। कबीर जी जो हैं एक ईश्वर को मानने वाले हैं, यानी एकेश्वरवादी हैं। एकेश्वरवादी क्या होता है? जो समस्त संसार के रचयिता को एक ही मानता है, जातिगत भेदभाव से उठकर के। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का भगवान या देवता एक ही है। उनके अनुसार इस संसार का रचयिता एक परमात्मा है और वे कहते हैं कि हम तो एक एक कर जाना, कि हम तो भगवान को एक ही मानते हैं। सभी का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है तथा उन्हें एक ही कुम्हार ने बनाया है। अर्थात सभी मनुष्यों का निर्माण जल, नभ, अग्नि आदि पांच तत्वों से मिलाकर के हुआ है। यानी हर मनुष्य में पांच तत्व हैं, मिट्टी, वायु, आकाश और जल, और सभी का निर्माण करने वाला एक ही है। जैसे बढ़ई लकड़ी को काट सकता है लेकिन उसमें रहने वाली अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर कैसा है? नश्वर है। यानी उसमें रहने वाली आत्मा को हम काट नहीं सकते हैं। सभी प्राणियों में भगवान विद्यमान हैं, लेकिन भगवान ने अनेक अनेक रूप धारण कर रखे हैं। यानी संसार के अलग अलग प्राणियों में वह आत्मा के रूप में बसता है। कबीर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मनुष्य, संसार के मायामय रूप को देखकर, यानी सांसारिक संपत्ति को, धन को, स्वर्ण को, सोने को, गाड़ी को, बंगलों को देखकर यह सारा संसार मोहित हो गया है, लेकिन यह सब माया झूठी है। प्रभु प्रेम में दीवाने कबीर कहते हैं कि जो लोग माया मोह से मुक्त हो जाते हैं वे हमेशा निर्भय होते हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं सताता है। कबीर ने उन लोगों को नरक का अधिकारी कहा है जो परमात्मा को अनेक रूप में बांट करके चलते हैं, और यह बताया है कि यह नरक का द्वार है। कबीर के अनुसार प्रभु को जानने के लिए परमात्मा की एकता पर विश्वास होना चाहिए और माया की व्यर्थता को समझना आवश्यक है। दूसरे स्टेंजा में कवि कहता है, संतों देखत जग बौराना, हे साधकों, हे मनुष्यों, देखो संसार पागल हो गया है। पागल हो गया है? कैसे पागल हो गया है? साच कहो तो मारण ध्यावे, झूठे जग पतियाना। यानी कहते हैं कि सच्ची बात कहें तो लोग मानने को दौड़ते हैं। कबीर जी कहते हैं कि मुझे नियम, दिनचर्या आदि का कठोरता से पालन करने वाले बहुत संत मिले। यानी
पाखंडी लोग कबीर जी को बहुत मिल चुके हैं और वो पाखंडी लोग पीपल के वृक्ष, पत्थर की मूर्तियों आदि की पूजा करते हैं, तीर्थ और व्रतों का पालन करते हैं, लेकिन उनके मन में अहंकार है। उनके गले में पड़ी हुई माला, टोपी, तिलक, छापा आदि को देखकर उनके पाखंड का अनुमान लगाया जा सकता है। हिंदू कहता है मुझे राम अच्छा लगता है, मुसलमान रहमान को मानता है, लेकिन कबीर जी कहते हैं कि ना ईश्वर को हिंदू ने समझा और ना मुसलमान ने। ईश्वर के नाम पर लड़ने वाला व्यक्ति मूर्ख और अज्ञानी है। ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को गुरु मंत्र बांट रहे हैं लेकिन खुद नहीं समझते हैं। कबीर कहते हैं हे संतों सुनो, ये सब पाखंडी भ्रम में भूले हुए हैं, यानी इनको भ्रम हो गया है, भ्रमित हैं ये लोग, समझते नहीं हैं, अज्ञानी हैं। मैंने इनको कितना समझाया किंतु ये नहीं मानते। सच तो यह है कि अगर हम सहज साधना करें तो ईश्वर हमें मिल जाएगा। अनुप्रास की छटा इसमें कवि ने बताई है। पीपर पाथर पूजन, इसमें प वर्ण की आवृत्ति है जो अनुप्रास अलंकार को बताती है। कबीर शरीर धर्म का पालन, नियम, व्रत, स्नान, पूजा आदि को पाखंड मानते हैं और सभी दोहे गाते फिरना, टोपी धारण करना, तिलक लगाना, इन सबको वह बाह्य आडंबर कहते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों को स्वयं श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन कबीर उनकी इन धार्मिक कट्टरताओं का विरोध करते हैं। कबीर के लिए सहज स्वभाव से भक्ति करना ही मुख्य भक्ति माना गया है। उनकी दृष्टि में परमात्मा मूल तत्व है, वह सारे जगत और अस्तित्व में उसी प्रकार से रहता है जिस प्रकार से लकड़ी में अग्नि रहती है। कबीर ने स्वयं को दीवाना बताया है क्योंकि अपने भीतर छिपे परमात्मा का साक्षात्कार उन्होंने कर लिया है। उनके अनुसार संसार बोरा गया है। क्यों बोरा गया है? वह सच पर विश्वास नहीं करता और झूठ को स्वीकार करता है, इसलिए कबीर जी कहते हैं कि संसार बोरा गया है। वह परमात्मा को जानने की बजाय व्रत, स्नान, आडंबर, पूजा पाठ आदि करते हैं, जबकि वास्तविक ईश्वर को पहचानने की कोशिश नहीं करते हैं। कबीर ने जग को पागल भी बताया है, ढोंगी भी बताया है, पाखंडी भी बताया है। कबीर की दृष्टि में ऐसे लोगों को आत्मबोध यानी खुद की आत्मा का ज्ञान नहीं होता है और जो कब्रों की पूजा करते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, उन्हें सबको, जो धर्म की भेदभाव फैलाते हैं, सभी लोगों को कबीर जी ने पाखंडी और आपस में लड़ाई झगड़ा करवाने वाला बताया है। कबीर अज्ञानी, पीर, पैगंबरों और उनके अन्य भक्तों पर व्यंग्य करते हैं और कहते हैं कि जो लोग साखी शब्द आदि गाते फिरते हैं वो सब ढोंग बढ़ाते हैं और अपने शिष्यों को कोई सच्चा ज्ञान नहीं देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें, लाइक भी करें।